क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 18th सेंचुरी में विमेन के स्टेटस की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्टेटस ऑफ विमेन इन 18th सेंचुरी। 18वीं सेंचुरी में विमेन का स्टेटस कैसा था उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली कहता है अपर क्लास वुमेन यूज टू वर्क आउटसाइड, जो अपर क्लास महिलाएं थी वो घर के बाहर काम किया करती थी। लोअर क्लास वुमेन यूज टू रिमेन इनडोर्स, जो लोअर क्लास वुमेन थी वो घरों के अंदर ही रहती थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या फिर स्पेक्ट्रम जो बुक है वो पढ़ी, आपने डेफिनेटली इस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा और ये याद भी रह गई हो गई आपको। जो अपर क्लास वुमेन थी वो घर के अंदर ही रहती थी, वो इंडोर ही रहती थी, बाहर काम करने नहीं जाती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोअर क्लास वुमेन थी ये घर के बाहर भी काम करने जाती थी, एग्रीकल्चर हो गया या दूसरी एक्टिविटीज़ हो गई वहाँ पर भी हाथ बटाती थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी गलत हो जाती है, आंसर हमारा हो जाएगा डी। इसके अलावा बात करी जाए अदरवाइज सिचुएशन कैसी थी, देखिए जो सिस्टम्स हैं जैसे पर्दा हो गया, सती हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, पॉलीगमी हो गया, ये कुछ हद तक जो था एग्जिस्ट करता था उस टाइम पर भी। और कहीं ना कहीं जैसे पर्दा हो गया, सती हो गया, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी, इन्हीं चीज़ों ने सोसाइटी की प्रोग्रेस को और विमेन की प्रोग्रेस को एक तरीके से रोक के रखा हुआ था। तो प्लाइट ऑफ हिंदू विमेन आप कह सकते हैं यूजुअली मिजरेबल थी, तो कंडीशन जो थी विमेन के लिए वो मिजरेबल मानी जा सकती है 18वीं सेंचुरी के अंदर लार्जली। ठीक है, तो ये वेरियस प्रैक्टिसेस जो थी इसकी वजह से एक आप कह सकते हैं कि सोशल कस्टम्स कह लीजिए, ट्रेडिशन कह लीजिए, जो उस टाइम पर थे चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी, इनकी वजह से एक तरीके से विमेन का एक्सप्लोटेशन हो रहा था। आंसर फिलहाल हमारे यहाँ पे डी है।